हेलो दोस्तों, पेंट्री कार में आप सभी का स्वागत है। आज अपने पेंट्री कार में हमने बनाए हैं चिकन कोफ्ते, जो बनाने में तो बहुत आसान है और खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी है। तो चलो फटाफट से देख लेते हैं इसके लिए हमें क्या क्या तैयारी करनी है। कोफ्ते बनाने के लिए हमें चाहिए चिकन कीमा, उसके अंदर हमें डालनी है बारीक कटी हुई प्याज, कसा हुआ अदरक और लहसुन, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, बारीक कटी हुई हरी धनिया, कुटी हुई काली मिर्च, स्वादानुसार नमक, लाल मिर्च, देगी मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, इन सब को डाल के हमें अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और आधे घंटे के लिए इसको फ्रिज में रख देना है। आधे घंटे के बाद हमें इसे निकालना है और चिकन के ऐसे बॉल्स बना लेने हैं और इन्हें हमें फ्राई कर लेना है। तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब इसके अंदर हम एक एक करके चिकन के बॉल्स 5 मिनट के बाद हमें एक तरफ से इन्हें दूसरी तरफ पलट देना है और हल्की आंच पर हमें इन्हें धीरे धीरे फ्राई करना है। बस अपने कोफ्ते बनकर रेडी है। अब हम अपनी ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। ग्रेवी के लिए हम उसी तेल में जिसमें हमने कोफ्ते फ्राई किए थे उसी तेल का इस्तेमाल करेंगे और उसमें डालेंगे तेज़पत्ता, दालचीनी और एक बड़ी इलायची। इसके बाद हमें इसके अंदर डालना है प्याज का पेस्ट, उसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर अदरक, लहसुन और जीरे का पेस्ट, उनको अच्छे से भूनकर हमने इसके अंदर डाल देना है टमाटर का पेस्ट। इसके बाद हम इसके अंदर एक एक करके मसाले डालेंगे। सबसे पहले जाएगा इसमें हल्दी पाउडर, स्वादानुसार नमक, देगी मिर्च, धनिया पाउडर, और ये सभी मसाले हमें इसमें थोड़े थोड़े ही डालने हैं क्योंकि हम ऑलरेडी चिकन बॉल्स के अंदर इन मसालों को डाल चुके हैं। उसके बाद हमें मसाले को बहुत ही अच्छे तरीके से भूनना है और उसके अंदर डाल देना है हमें थोड़ा सा गुनगुना पानी। पानी ऐड करने के बाद हमें इसके अंदर डालनी है थोड़ी सी धनिया और अच्छे से मिक्स कर देना है। उसके बाद हमें इसे एक उबाल आने तक पकाना है। एक उबाल आता ही हम इसके अंदर डाल देंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी और उसे अच्छे से मिक्स करेंगे और उसके बाद इसमें ऐड करेंगे अपने चिकन बॉल्स। चिकन बॉल्स डालने के बाद हमें इसको 10 मिनट के लिए ही पकाना है ताकि ग्रेवी जो है वो चिकन बॉल्स के अंदर फिल हो जाए। बस इसके बाद हमारा चिकन कोफ्ता बनकर तैयार है। इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ी सी बारीक कटी हुई धनिया और गर्मा गर्म रोटियों के साथ इसे एंजॉय कर सकते हैं। तो कैसी लगी आपको चिकन कोफ्तों की ये रेसिपी? अगर पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। थैंक यू।